बोले सो निहाल साढ़े कोल सैशन जज साहब बैठे आ करनैल सिंह जी आई वो थोड़े तो नाल पांच सत मिनट लिए विचार करनगे। करनैल सिंह जी आई आओ जी स्टेज अते मंच ते विराजमान जां मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे भैण भरा मैं संखेप विच कहूँगा कि मैं उन्हां सारिआं नूं अपना सिर सिजदा करदा हाँ उन्हां नूं सारी फतेह बुलाउंदा हाँ। असीं बतौर जज हुंदे होए कई धारनावां दे आदी हुंदे हाँ और वो धारनावां कई वारी समाजिक कदरां कीमतां दे उपर दी लंघ जांदियां ने परंतु असी अपनी सोच जिथे किते भी बैठे हाँ चाहे वह कुर्सी ते हाँ जां वह धरती ते हाँ चलदे हाँ समाज विचरदे हाँ परंतु साडियां भावनावां वह साडे नाल ही तुरदियां ने। एक साडी धारना हैगी आ कि इंसान जज जां होर बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ उन्ना ही बोलू जिनी उहदी अकल है आप दी बुद्धि तो वध कोई भैण भरा जां कोई पढ़िया लिखिया नहीं बोलता। असी जजमेंट विच हमेशा लिखते हाँ ए परसन कैन नॉट कन्वे द बैटर टाइटल अदर दैन ही हैज़। अपनी बुद्धि तो वध बोल नहीं सकता और अपनी बुद्ध अपनी मालकी तो वध किसी नूं प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। अज मंच ते डिफरेंट जथेबंदियां और जो दल मेरे सज्जे खब्बे बैठे हैं मैं उन्हें देख के बड़ा मन प्रसन्न होंदा हैगा कि ये रूहां दे रूबरू मैनू होण दा मौका मिलिया। सो ये तो मेरी सीगी अपने वालों और थोड़े रूबरू जो दास खड़ा है ये वो है जिन्हें 1.5 रुपए ते दिहाड़ी कीती अते अपनी जोबन दे विच अज दी स्टेज दे विच आके फंसियां लाईयां। कि कदे सोच सकते हो कि जिहड़े बंदे ने 1.5 रुपए ते दिहाड़ी तो अपना कैरियर स्टार्ट किया होवे ते उन्हें 3 वारी फांसी लाई होवे ते 3 वारी सिजदा करदा मैं सिर नीवा करदा उन्हां महान सपूतां दे जिन्हां दे पिछले बुलारिआं ने जां अगे आउण वाले बुलारिआं ने नां लए ने भाई जैता जी बाबा संगत सिंह डॉक्टर अंबेदकर जां होर जिन्ने मर्जी नां लई जाओ साडी अणगिणत ते बड़मुल्ला साडे कोले इतिहास हैगा। परंतु मैं जो टॉपिक ते आउणा चाहुंदा मैं चाहुंदा कि मैं उही गल ना करां कि जिहड़ी गल साडे पहलां बुलारे बोल चुके ने मैं कोशिश करूँ कि नवी गल बोली जाए ताकि असी कुछ ना कुछ थोड़े रूबरू करन दा कामयाब होइए। मैं कहना चाहुंदा कि जो लड़का नवरीत दी मौत होई मैं ट्रैक्टर ते देखी हैगी आ और ट्रैक्टर दे विच देखण वाला ये प्रजर्व करदा कि लड़का अणगहली नाल लापरवाही नाल आया और ट्रक कीता ट्रक उल्टिया उहदी मौत हो गई। परंतु इहदे नाल ही मेरा जुडिशल माइंड आ मैं ये भी सुनिया अखबार विच भी जां उहदे पिता दी पाई पटीशन वालों जां जो सरकार बोलदी आ उहदे हैड दे विच गन जां पिस्टल जां कोई शॉट हैगा। जेकर गन जां पिस्टल शॉट उहदे सिर विच लग्गिया तां ट्रैक्टर दा आउट ऑफ कंट्रोल होना कुदरती हैगा। सो मैं इहदे मुतलक उसदे वारसां नूं इह प्यार नाल सतिकार नाल अपने वालों सेवा करनी चाहुंदा जां कोऑपरेशन चाहुंदा कि तुसीं लड़ाई लड़ो। जेकर उहदे सिर विच गोली वज्जी आ उहदे ट्रैक्टर खुद चला के पत्थर विच नहीं मारिया तां इक ना इक दिन साडे संघर्ष ते उहनां दे माता पिता नूं इहदा इंसाफ मिलेगा। नंबर दो जो रास्ता 26 जनवरी दे बारे दिता गया सानू वो विद द कंसेंट ऑफ साडे किसान नेता अते सरकार सरकार किहदे विच थ्रू सिक्योरिटी थ्रू पुलिस
जेकर पुलिस ने सानू सिक्योरिटी वजो एक रास्ता प्रोवाइड किया कि तुसी इस रास्ते में होके जाना अते वो रास्ता ब्लॉक कर दिता और दूजे रास्ते गए जा कुछ बंदे थोड़े कहने तो बाहर होके अगे पिछे चले गए तो मैं कहूँगा कि साढ़े उच्च जिहड़े अहुदेदार ने जां साडी संस्था दे मुखी ने उन्होंने इहदी एक न्यायिक सिट बनाउण दी प्रेरणा प्रार्थना गौरमेंट चाहीदी आ कि एक सिट बनाओ एक पड़ताल कराओ जां अपनियां कमेटियां अपने अहुदेदार अपने वल्लों इक कमेटी बनाउण उहदी पड़ताल करन मैं सहयोग करन नूं तैयार हाँ जेकर सानूं रास्ता आ दित्ता तां थारी साडी डाइवर्सन इधर क्यों होई जे इधर होई मुंडे अगे गए तां असीं बुरे पै गए हाँ साडे संस्था नूं साडे संघर्ष नूं धक्का लग्गिया हैगा सो मैं इस विषय ते वी पड़ताल करनी चाहुंदा कि कोई ना कोई इस बारे भी आपां नूं चाहीदा हैगा। अगली गल मैं एक कहूँगा कि मैं ना तां कांग्रेस ना अकाली ना बीजेपी किसी के खिलाफ बोलण तों पहलां एक गल कहूँगा कि सानूं लोड़ हैगी आ इन्हां तिन्नां एक्टां नूं बरीकी नाल पढ़न दी। 15 अक्टूबर पंजाब किसान भवन च मीटिंग हुई मिस्टर दर्शनपाल बूटा बुरज गिल मेरे मित्र ने मैं उन्होंने शामिल सीगा उदू बाद 5 नवंबर की कॉल दे विच मैं 2 टोल प्लाजा दे बरनाला अते महलकला दे विच बोलिया सीगा मैं उन्होंने कहा सीगा कि मेरी एक बेनती है कि तुसी एक हाई पावर कमेटी बनाओ भावें सरकार का नुमाइंदा ना लो सरकार से उम्मीद ना रखो हाई पावर कमेटी दे विच एक तो हाई कोर्ट जज भावें रिटायर ले लो सैशन जज ले लो IAS लो IPS ले लो और खेती विज्ञानी दे नाल चांसलर ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 10 मैंबर की 12 की एक हाई पावर कमेटी लैके वो कमेटी का एक ओपीनियन ले लो वो ओपीनियन लैके अगे तुसी उन्हूं बोलण जोगे हो जाओ। उहदी एक निक्की जी मैं उदाहरण देऊंगा कि एक्ट का सैक्शन 6 सब क्लाज 3 अगे क्लाज ए शायद मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पढ़ी हो पढ़ के मैं भी आया होर एक्ट भी पढ़िया एक उदाहरण वजो मैं दे रहा 6-3A दे विच की लिखिया कि जिहड़ा स्पोंसर हैगा परचेजर हैगा वह कित्थों प्रोड्यूस लूगा पैदावार फ्रॉम दी फार्म गेट साढ़े खेत विचों साढ़े खेत के फार्म गेट तो वह आके उतों साड़ी फसल चकूगा पर नाल दी नाल उहदे की लिखिया कि एट द टाइम ही विल चैक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट राइस है। प्लीज़ मैं पिछे बेनती करूँगा जे 2 मिनट वध लगते हुए तो मैं इशारा कर दौ मैं बंद कर दूँगा मैं वध टाइम नहीं लाउणा तो उहदे विच की लिखिया कि सैक्शन 3A दे विच जेकर असी मौके ते साढ़े फार्म गेट तो स्पोंसर गौरमेंट का आके परचेज करूँगा तो वह सानू उहदी क्वालिटी चैक करूगा आफ्टर चैकिंग दी क्वालिटी उहदा टोटल प्राइस का 75% सानू मौके ते पे करूगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आ सेल 1 करोड़ की आता 75 लाख रुपया मौके ते करूगा तो 25 लाख साडा विद हेल्ड करूगा विद हेल्ड नॉन पेमेंट तो उदू बाद सैंपल उस प्रोड्यूस का सैंपल गौरमेंट नूं जाऊ जां उपरली संस्था नूं जाऊ उहदा समा रखिया गा 1-2 महीने और वह संस्था जेकर उन्हूं पास कर दिंदी आ कि क्वालिटी ए आ तो 25 लाख मिल जूगा जे क्वालिटी बी आ तो 1 करोड़ की जगह पर 90 लाख जे क्वालिटी सी आ तो कीमत 80 लाख। सो दिस इज दी फलाह जी मैं थोड़े नोट्स में लियानी चाहना कि वह कहते जेकर क्वालिटी चैक करनी है थोड़े फार्म गेट से दूजी क्वालिटी चैक अंदर फार्मर की एबसेंस में जे साड़ी एबसेंस में करोगे तो सानू तो तुसी सिंपली कह देना थोड़ी क्वालिटी माड़ी है जे माड़ी आ साडा करोड़ मगर 20 लाख उठ गया। सो ये पॉइंट ने मैं थोड़ी कमेटी थोड़े उच्च अहुदेदारां कहना चाहना कि यहोजी कमेटी एक फार्मूलेट करो जिहड़ी एक कमेटी थोनू जिते फीडबैक करे उत्थे इस एक्ट ते ड्राबैक भी दसे जेकर असी एक कमेटी 80% 75% ये ड्राबैक कढ़न दे विच कामयाब हो जाइए तो मेरा ख्याल है असी ये कामयाब होवांगे कि एक्ट जिंदा नहीं रहने। नंबर 2 ये जिन्हें भी एक्ट बने आ
पास किने किते ने पार्लियामेंट दे विच, पार्लियामेंट दे विच 545 एमपी ने उन्होंने मजोरिटी ना किते ने। मैं किसी समय की सरकार के खिलाफ या अकाली कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। इन्होंने लोगों ने आप अज पंजाब दे विचो सारिया पार्टियां थोनू सपोर्ट कर दिया ने। ये किस वास्ते सपोर्ट कर दिया ने वो मेरे कहने की लोड़ नहीं, तुसी मेरे नो वध जानदे हो। सो इस करके ये निरपक्ष जो साडा संघर्ष हैगा जां साडे अहुदेदार ने ये हर एक तो कन्नी कतरा के अपनी इज्जत बचा के ये चल रहे ने। ये बहुत ही प्रशंसा के काबिल ने और मैं इन्हां नू सलाम करदा कि तुसी अपना संघर्ष रखो, परंतु नाल एक बेनती करूँगा कि इस संघर्ष नू थोड़ी जी नवी रूपरेखा, नवी रूपरेखा की है कि बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यान करो। बुद्धिजीवी वर्ग के राही कोई नवी काढ़ा कढ़ लो, नवी काढ़ कली यही कहना कि एक्ट रद्द करावांगे, ये तो है ही है, परंतु बुद्धिजीवी वर्ग जिवें मैं थोड़े को आके ये दसिया ने बरीकियां, होर बरीकियां पढ़ो, मैं थोड़े नाल हाँ, मैं सेवा करने तैयार हैगा, असी कोई नहीं पैसा लेना। मैं ज्यादा समा ना लेंदा होया स्टेज पर बैठे साढ़े जो निहंग सिंह मुखी ने जा बहुत ही उच्चे अहुदेदार जिहड़े साडे इह संस्था इह जथेबंदियां ने हैगे ने जा माता मां जा मेरे सामने मेरे बरनाले जिले दे मेरे पिंड सहौर दे बैठे होण, मैं सारां नूं इस स्टेज तो सलाम करदा कि थोड़े बरनाला वासियां नूं मेरे वल्लों सलाम और थोड़ा बोलण दा मौका दित्ता। मैं मुकतसर दा जिला जज रह के आया, कपूरथला जिला जज रह के आया, मैनूं अकाल तख्त नदेड़ तख्त तो सन्मान किया गया कि फॉर द बेस्ट सर्विसिज कि तेरे जैसा साडे संस्था नूं साडे अपने तख्तां नूं सेवा नहीं की। सो दास इन्ना कहिंदा होया खेमा दा जा चुका और मैं कल दा आया मैं कल रहूँगा। अज मैनू टिकरी वाडर ते बूटा सिंह बुरज गिल उन्होंने समझ दिता कि शाम नूं आओ थोड़े कानून की राय जां थोड़ी थोड़ी कुछ मदद लईए। सो मैं इन्ना कुछ कहिंदा होया खेमा दा जा चुका, जे चंगा लग्या तां ताड़ी मार दिओ, जे ना चंगा लग्या तां बंद कर दिओ। थैंक धन्यवाद जज साहब। हुण साडे कोल